वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप खैरियत से हैं? जी मेरे मोहतरम, क्या नाम है आपका? हेलो जी, जी जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, आप अगर आप बात करना चाहते हैं अभी या जी? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे, वो नेट प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फरमाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है सर। क्या नाम है? सईद मोहम्मद शरीफ साहब जी, बताइए आपका क्या मसला है? हेलो मौलाना साहब, मैंने आपको बताया जो बताया था, देखिए मोहम्मद शरीफ भाई प्लीज, जो बताया था वो भूल जाइए। मैं जब देखिए काउंसलिंग सेशन का मकसद जब का मेरी बात सुन लीजिए फिर जब मैं आपसे कहूंगा बोलने के लिए उस वक्त आप बोलिएगा। काउंसलिंग सेशन का मकसद ये होता है कि मैं तफसील से एक ही सिटिंग में, क्योंकि सारी बातें जो आपने बताई थी वो मेरे जहन में नहीं है, मुझे हजारों मैसेजेस रोज आना आते हैं और इसीलिए काउंसलिंग सेशन को मैं प्रेफर करता हूं पर आपके मसले पर इनको सुलझाने के लिए। अब आप बताइए कि आपका मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने ना एक लड़की थी क्रिश्चियन, उसके साथ निकाह किया था। क्रिश्चियन लड़की के साथ? आप ये क्या, क्रिश्चियन लड़की के साथ? जी उसके साथ शादी जी, क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी की थी कोर्ट मैरिज में। कोर्ट मैरिज ओके। उसके बाद ना वो मेरे दो बच्चों की माँ है। दो बच्चे भी हैं? तो भी जी, एक लड़की खुद हो गई है, अब लड़का उसके पास। ओके। तो घर वाले उसके ना, घर वालों की वजह से मसला खराब हुआ। मैं उनको मना करता था कि ये हमारे घर ना आए। ओके। तो वो आते थे, बहुत ज्यादा आते थे, उसकी वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा। बता दें लोगों को ना आने दो, ठीक है, मैंने तुम्हें मुसलमान किया तो मुसलमान तरीके से रहो। ओके। ठीक है, पर वो मिलने को हटते नहीं थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने उसको ना घर से मारा मुड़ा। तो फिर मैंने उसको कहा था कि अपने अब्बू को बुलाओ, अपने अब्बू को बुलाओ, उसने जो तुम्हें बसाना ना तो अपने अब्बू को बुलाओ, मैं कहूंगा तुम्हें या इन लोगों को रोको, इसका घर बसाना तो नहीं तो फिर इसे ले जाओ। ठीक है। कहा मैं, हमने नहीं आना, ये फिर चली गई। इसने बड़े लड़कों को, मेरे दोस्तों को भी बोला, अपने रिश्तेदारों को कह के, ये खुद भी कहती रही है कि भाई मेरी सुलह करवा दो उससे। ओके। तुम्हारा अब्बू आएगा तो अम्मी आएगी, फिर ही बात होगी। ठीक है। वो कोई भी नहीं आया, उन्होंने जाके मेरी बात ही नहीं मानी। ओके। बात नहीं मानी मेरी। उसके बाद मुझे मेरे दोस्त ने कहा किसी ने कि एक नोटिस भेजो तलाक का डरावे तोड़ पे, फिर वो तुमसे बात करने आएंगे। एक रफ पेपर मैंने नोटिस भेजा था वैसे ही। तो उसके बाद वो मैंने कहा कि चलो दूसरे वो आएंगे ना, वो आके बात करेंगे मुझसे, तो फिर मैं उनको बोल दूंगा कि ठीक है वो मैं लेता हूँ वापस। ओके। तो उन लोगों ने नहीं आए, वो नोटिस मैंने भेज देना था, वो भी नोटिस पूरा भी नहीं हुआ था। ठीक है, अभी 25 दिन मत ही इसका, उसके माँ बाप ने, उसके भाइयों ने अदालत में 11 लाख का कि हमने ये चीजें कही हैं जी। उसके बाद फिर मैंने वकील के पास गया हूँ, वकील को मैंने सूरत हाल बताई है कि मैंने तो इसको डरावे तौर पे नोटिस भेजा, तो इन्होंने ये मेरे पे केस कर दिया उल्टा। ओके। तो उसने मुझे ये बोला वकील ने कि तुम अब दूसरे पेपर भी भेज दो नहीं तो तुम फंस जाओगे। ओके। मुझे तो नहीं
पता था ये, उसने कहा तो मैंने फिर उसने जैसे जैसे मुझे कहा मैंने वैसे वैसे कर दिया। ओके अब मेरे बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, अब मेरे बच्चे का मुस्तकबिल खराब होता है तो बच्चा मेरा उसके पास है माशाल्लाह 2 साल का बेटा हो गया, तो मुझे मेरे दोस्त अब कहते हैं अगर तुमने अब उसे मुसलमान किया वो क्रिश्चियन के घर रह रही है तो ये गलत बात है, ये है वो प्लान। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, जिस कार्य जा रहे हैं जिसके पास भी जाते हैं ना बड़े बड़े इधर कारियों से बात की है तो वो यही बात बताते हैं कि भाई इसका पहले निकाह करो फिर ये दूसरा हल होगा, उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो मैंने आपका ये चैनल देखा तो आपके में आप मुझे हमें बताते हैं काफी मालूम बताते हैं लोगों को, तो मैंने आपसे रब्ता किया तो हमारा भी मामला आप सोल्व करते हैं, ये आपसे पूछ लें आपके पास कोई होगा हल इसके बारे में। बिल्कुल हल तो है, बिल्कुल हल तो है। देखिए तलाक जब मुसलमान के कोई रिश्ते में होता है ना, वो आपकी बीवी थी और आपके बच्चों की माँ, जब आप उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, इस्लाम आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप अहले किताब से निकाह कर सकते हैं, क्या वो मुसलमान हो गई थी या वो अभी क्रिश्चियन ही थी? सर जी मैंने इधर मदरसा था ये पास ही, उधर मदरसे में भी डाला था मुसलमान निकाह नामा, मेरे पास सब कुछ पड़ा है, मुसलमान भी है अभी भी, वो कहती है मैं मुसलमान हूँ। ओके मोहम्मद शरीफ भाई, मोहम्मद शरीफ भाई आपने जो निकाह किया था वो क्रिश्चियन खातून से किया था या मुसलमान खातून से किया था? जी क्रिश्चियन थी सर, क्रिश्चियन। अच्छा पहले क्रिश्चियन थी बाद में मैंने मुसलमान किया उसको बाद फिर उसके साथ निकाह किया। ओ, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। जी जी आपने उसको अपनी बीवी बनाया था जब वो क्रिश्चियन थी, निकाह किया था उससे? नहीं 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 पहले वो क्रिश्चियन थी, उस जब मैंने निकाह किया ना पहले मुसलमान किया उसको तो फिर निकाह किया। हाँ तो ये बहुत सिंपल है ना, इधर उधर की बातें ना करके हम टू द पॉइंट बात करें, तो आपने एक मुसलमान औरत से शादी की है? शरीफ साहब हेलो। जी 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 शरीफ साहब आपने एक मुसलमान औरत से शादी करी थी ना? हेलो जी हाँ जी मुसलमान करके मुसलमान ही की थी शादी, मुसलमान हो गए। हाँ जी ओके अब आपने उस औरत को जो नोटिस भेजा था वो कब भेजा था नोटिस, किस तारीख को भेजा था? सर जी वो मैंने वो अब तो वो 1.5 साल हो गया केस चल रहा हमारा, 1.5 साल हो गया अदालत में अभी भी केस चल रहा हमारा। शरीफ भाई हो गया उन्होंने शरीफ भाई केस कर दिया। शरीफ भाई शरीफ भाई आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? आप मुझसे मशवरा तलब कर रहे हैं, मुझसे चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? तो जो मैं जो सवाल कर रहा हूं, मैं जो सवाल कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस दें, उसको समझने की, अगर आपकी समझ में ना आए ना तो मुझसे पूछ लें कि आपने क्या पूछा है, जो आप अपनी तरफ से जवाब देंगे वो मेरे लिए पेचीदगी वो करेगी। आपने अपनी बीवी को ये पहला नोटिस जो भेजा है ये कब भेजा था, किस तारीख को भेजा था? ये पिछले रोजों की बात है, ये रोजों की नहीं है, जो उनसे गुजर गए हैं ना ये रोजे नहीं है, इससे पिछले रोजों की बात है तब भेजा था। इसका बाद में मैंने जो हेलो 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 रुक जाए प्लीज मुझे, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? जी जी सर हाँ तो मेरे सवाल को सुन लें और उसका जवाब उतना ही दे दें जितना मुझे मतलूब है, आप आगे पीछे से अगर वो बात बताएंगे तो फिर आपको मैं मौका दूंगा आप 1 घंटा तकरीर करें, कोई मसला नहीं है मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मुझे केस को सुलझाने के लिए जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका उतना ही जवाब दे दें। आपने गोया के 1.5 साल पहले 2022 में रमजान में अपनी बीवी को एक नोटिस भेजा था? हाँ जी
तो 2022 में आपकी बीवी आपके वहां थे और आपने उस पर दस्तखत किए थे? जी किए थे। ओके, तो और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जब आपने उसको भेजा ये नोटिस, तब आप उसका मकसद सिर्फ डराने का था, धमकाने का था, उसको तलाक देने का नहीं था? जी पहला नोटिस मैंने वो डराने का दिया था, धमकाने का ना, उसके घर वाले आगे मेरे से बात करेंगे। ओके ठीक है ना, वो जहन में यही बात थी। ओके जहन में आप वो दूसरा जब उन्होंने ओके आपके जहन में डराने और धमकाने का था, अब जो दूसरा नोटिस आपने दिया है वो जो दूसरा नोटिस आपने दिया है वो कब दिया है? वो उसके तकरीबन 32 दिन बाद दिया था। मैं फिर भी वेट करता रहा हूं कि कोई आके मेरे से मेरे सवाल का हेलो मोहम्मद शरीफ भाई, मेरे सवाल का सिर्फ उतना ही जवाब दे दें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने पहला नोटिस 2022 के रमजान में दिया और दूसरा जो नोटिस है वो आपने दिया है 32 दिन के बाद। हाँ जी हाँ जी, 32 दिन के बाद आपने दूसरा नोटिस दिया है, तो दूसरा नोटिस आपने तलाक दी है या वो जो आपने पहला नोटिस भेजा था उसी को आप कंटिन्यू कर रहे थे? आपने दूसरा नोटिस क्यों भेजा जब आप उनको डराना चाह रहे थे? जो पहले नोटिस में लिखा था ना वही नोटिस में दूसरा नोटिस भेजा। आप शरीफ भाई, आपने भी मुझे ये बताया कि वकील ने आपको वरगलाया और वकील ने आपसे कहा कि अगर आप दूसरे नोटिसेज नहीं भेजेंगे तो आप गिरफ्त में आ जाएंगे। जी जी यही बात है, यही सर जी यही कहा उसने कि अब तुम फंस जाओगे तो ये तो भेज दो दोस्त। तो आप गोया के इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरा नोटिस वकील के कहने पर आपने भेजा है, आप उसको तलाक देना नहीं चाहते थे, वकील के कहने पर आपने उसका उकसाने पर आपने भेजा है। जी जी यही बात है। जी जी ये जी ओके। और फिर आपने तीसरा नोटिस कब भेजा है? जी क्या कहा ना, तीसरा नोटिस कब भेजा है? वो भी ऐसे ही भेजा है, वक्फे से ही भेजा, जब उसने बोला ना मुझे वकील ने आप भेज दो, मैंने वकील के मशवरे से भेजा। मैं वकील को बोलता रहा हूँ, जो वो मुझे बोलता रहा मैं वही करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था इस मामले का। हाँ तो ये मसला है या वो असल में वकील लोग वकील वो भी 30-32 दिन बाद भेजा। हाँ तो वकील लोग क्या करते हैं, ये केस को बजाय सुलझाने के और मजीद पेचीदगियों में पैदा कर देते डाल देते हैं। ये वकीलों की बातें भी असल में, उनको तो अपनी फीस चाहिए होती है, उन्हें तो इस बात की परवाह नहीं है कि आपका घर बर्बाद होता है या आबाद होता है। अक्सर वकील ऐसे होते हैं, इल्ला मन रहम अल्लाह, कई लोग ऐसे भी हैं जो कि खिदमत खल्क के लिए बेचारे बेचैन होते हैं, अल्लाह उसमें इजाफा करे। तो आपने गोया के पहला नोटिस 2022 अप्रैल में भेजा है और फिर दूसरा नोटिस 32 दिन के बाद और तीसरा नोटिस फिर 32 दिन के बाद। अब आपकी बीवी का मुतालबा क्या है? बीवी का जी, बीवी क्या चाह रही है? मेरी बीवी तो मुझे वो तो कह रही है मैंने तलाक मानी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अब क्रिस्टों में कैसे रहूंगी या कैसे करूंगी, मैं अपना तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझे अभी भी कहती हूँ तुम मेरे मियाँ हो, मैं तुम्हें नहीं मानती। ओके तो मैं नहीं मानती कि मैंने तलाक, तुमने मुझे तलाक दे दी है, मैं मानती नहीं हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो पाकिस्तान में उलमा हैं उनसे राब्ता किया, उन्होंने क्या आपको बताया? उन्होंने यही कहा, ये मैं इधर गया था उन्होंने कहा बात काम खत्म हो गया। अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, काम उनके लिए तो बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। असल में पाकिस्तान में तो बहुत आसान है काम को, घर को उजाड़ देना, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दे। देखिए मैं आपको बताऊं
अगर हम इसको पहली तलाक को संजीदा ले लें और कहें कि आपने तलाक दी थी, तो उस तलाक को आप अगर कबूल भी कर लें, तो उसके बाद दूसरी और तीसरी तलाक देने से पहले बीवी के साथ रुजू करना शर्त है। जब आप रुजू कर लेंगे तब उसके बाद दूसरी और तीसरी तलाक दी जाएगी। ये शेख अहमद बिन सालेह उसैमी रहमतुल्लाह अलैह का मौकिफ है और जो बहुत सुंदर और बहुत साफ सुथरा मौकिफ है। आपने तलाक दे दी, फिर दूसरी तलाक आप नहीं दे सकते जब तक कि उससे रुजू ना कर लें या उससे निकाह ना कर लें। आपने तलाक दे दी, फिर वकील के उकसाने पर फिर एक और तलाक दे दी, फिर वकील के उकसाने पर फिर एक और तलाक दे दी, और इन तलाकों से पहले क्या आप अपनी बीवी से मिलते जुलते रहे हैं, बातें चीतें होती रही हैं, उसको एहसास रहा है कि आप उसके शौहर हैं, जैसे अभी वो कह रही है? ये हेलो जी। हाँ, मेरी आवाज आई आपको? नहीं आई, नहीं आई मेरे ख्याल से। हेलो जी, हेलो जी, हेलो भाई मेरे, हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज आपकी। हाँ, मुझे आपकी, आपका रिस्पांस बहुत ठंडा है, आपका रिस्पांस हाँ जी हाँ जी है, और जिससे मुझे ये अंदाज़ा नहीं होता कि आप मेरी बातों को समझ भी रहे हैं या नहीं। पहली जो तलाक आपने दी थी, आपने ये कहा कि मैं उसको डराना चाहता था, धमकाना चाहता था, और वो सिर्फ नोटिस की हद तक आपने भेजी थी। फिर दूसरा और तीसरा नोटिस आप नहीं भेजना चाहते थे, वकील के उकसाने पर आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए कर दिया। दूसरी और जो तीसरी तलाक है, अगर पहली तलाक को हम तस्लीम भी कर लें तो दूसरी और तीसरी तलाक नहीं हुई है। हेलो जी, जी आवाज आ रही है सर जी, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज, सुन रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए, मैं अगर आपका रिस्पांस कुछ होगा तो मैं उसमें थोड़ा सा मुझे इत्मीनान भी रहेगा कि हाँ आप तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपने पहली जो नोटिस भेजी है वो आप एक बकौल आपके डराने और धमकाने के लिए भेजी थी। दूसरी और तीसरी तलाक नहीं हुई है। दूसरी और तीसरी तलाक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पहली तलाक के बाद आपको रुजू करना है, फिर तलाक देनी है, फिर रुजू करना है, फिर तलाक देनी है। ये बात समझ में आई आपके, नहीं आई? जी जी जी, क्या समझ में आई बेटे आपकी, जरा मुझे बताइए। क्या कह रहे? यही तो मैं, यही मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कह रहा हूं आप जी जी कर रहे हैं, और जब मैं पूछ रहा हूं कि मैंने क्या कहा तो आप ये कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। सर जी, वो आपकी आवाज कट जाती है ना बीच में, नेट प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से समझ नहीं, कई बात लगती है। बात आपको कह रहा हूँ, आपको सारी बात बता दी है, और आप पूछे क्या पूछना, मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी दूसरी और तीसरी तलाक नहीं हुई है, पहली तलाक भी अगर हम उसको तस्लीम कर लें तो आपने दूसरी और तीसरी तलाक से पहले रुजू किया था अपनी बीवी से? नहीं, उसके बाद हुई नहीं, बात हुई नहीं है, उसके बाद बात हुई नहीं। अब तो ये 3 माह हो गए हैं, बात शुरू हुई है, 2 माह या 3 माह हुए हैं। ओके, तो अब आप तो बात ही नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं आपकी परेशानी का जो हल है, आपकी परेशानी का हल ये है कि अगर हम पहली तलाक को कबूल कर लेते हैं जो आपने उनको दी थी, तो ऐसी सूरत में चूंकि इद्दत गुजर चुकी है, आप नए निकाह नए महर से अपनी बीवी से दोबारा से रुजू कर सकते हैं। खत्म नहीं हुआ है मामला, अभी बाकी है, आप रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी और तीसरा जो नोटिस आपने भेजा है वो एक तो रुजू नहीं किया, दूसरे ये कि आपको वकील ने धमका के उकसा के अपनी अपना पीछा छुड़ा लो वरना फंस जाओगे, तो ये वकील की गलती थी। हाँ, तो आप मेरा मशवरा ये है
जिससे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, आप और मौलवियों का भी दिल खुश हो जाएगा। इस केस के लिए आप अपनी बीवी से नए निकाह नए मेहर के साथ नया निकाह कर लें, रुजू कर लें और अपनी जिंदगी को जारी और सारी रखें, अपने बच्चों के साथ रहें। हेलो जी, जी सुन रहा हूँ सर, जी सुन रहा हूँ। समझ आया आपकी जो मैंने कहा जी? ये मुझे जरा आप रिकॉर्डिंग भेज दें। ओके, मैं रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं ओके मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूं। दूसरी और जो तीन, ओके मोहम्मद शरीफ भाई, दूसरा आपकी अहलिया का नाम क्या है? या अल्लाह, शरीफ साहब बेचारे पता नहीं कहां होंगे। बहरहाल जी, आपकी अहलिया का नाम क्या है दोस्त? मारिया। क्या नाम है? मारिया बी है सर, मारिया बेबी। मारिया बेबी, ओके। आपने देखिए, आपने जो तलाक दी है पहली, उसको अगर हम कबूल कर लें जो, तो दूसरी और तीसरी तलाक तो आप देना ही नहीं चाहते थे, तो वो तो वकील के कहने पर आपने दी है। तो एक तलाक के बाद आप मुझे बोला है कि तुम, मैंने सॉरी मैं आपकी बात, जी जी फरमाइए फरमाइए। मैंने उससे बोलता है ना कि मैं क्या करूं, उसने कहा भेज दो तुम फंस जाओगे, ऐसे उसने मुझे बोला। उसने मुझे ये नहीं बोला कि यार ना करो तुम, अगर ऐसे करता तो फिर हो सकता है इतना काम ना होता। कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं है, आप निकाह पढ़वा लें अपनी बीवी से दोबारा से, और एक तलाक आपकी हुई है और वो भी चूंकि वहां उलमा ने आपको फतवा दिया है, अदरवाइज तो जब आपकी नीयत ये थी कि मैंने डराने के लिए उसको धमकाने के लिए दी थी, ये नीयत आपकी थी, तो उसमें भी बहुत से उलमा का मौकिफ ये है कि नमल अमालु बिन्नियात, अगर आप उसको सिर्फ डराने और धमकाने के लिए बात कर रहे थे तब तो कोई भी तलाक नहीं हुई, लेकिन चूंकि आप का केस नोटिसेस के हवाले से भी पहुंच गया है, तो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल दे दें ताकि आप पर कोई उंगली ना उठाए, और एक नया निकाह नामा बनाकर अपनी बीवी को रख लें अपने साथ। तलाकें उस वक्त होती हैं जब पहली तलाक देने के बाद इद्दत में ही आप रुजू कर लें, रुजू करने के बाद फिर दोबारा तलाक दें, और वो भी ऐसी पाकी की हालत में कि आपने अपनी बीवी से मुबाशरत ना की हुई हो, तो ऐसी सूरत में तो तलाक होगी। लेकिन आपकी तो तलाक, एक तलाक दी फिर दूसरी दे दी फिर तीसरी दे दी, और वो भी वकील के कहने पर कि भैया फंस जाओगे, तो उसने आपको फंसा दिया। बहरहाल अल्लाह खुश रखे। तो मैं नहीं समझता कि ये दरवाज़ा अभी बंद हुआ है, आपका अभी निकाह रुजू के चांसेस, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि नए निकाह नए मेहर से आप रुजू कर सकते हैं, ठीक है? कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो पूछ लें। ये कह रहा हूं कि आप मुझे ना कोई वाइस वगैरह दे, मैं आपको वॉइस में, मैं ये मेरी रिकॉर्डिंग, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है, मैं आपको भेज देता हूं। आपके जहन में तो कोई सवाल नहीं है? नहीं, बस यही सर, यही पूछना था। आपका बहुत शुक्रिया। ओके, आपने हमारा बहुत बड़ा मसला जो सेट कर दिया, क्योंकि मेरे बच्चे का मसला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फ्यूचर खराब हो रहा था। आप अल्लाह ताला आपके बच्चे को आपकी शफकत और मोहब्बत में परवान चढ़ाए। ये इस तरह के केसेस होते हैं और उन्हें संजीदगी से तभी हम हल कर सकते हैं जब मैं और आप या जिनका मसला है वो संजीदगी से बात करने के लिए आमादा हो जाएं। एक मैसेज कर दिया, दूसरा मैसेज कर दिया, इस तरीके से तो वक्त ज़ाया होता है। तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, काउंसलिंग सेशन बुक करने के बाद आपने वक्त दिया है, और इस तरीके ही से तलाक के मसाइल का हल मुमकिन है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पाकिस्तान में आपकी तलाक का, ये वकील जाने और आप जाने, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने
एक तलाक दी थी, रुजू नहीं किया, दूसरी और तीसरी तलाक दे दिया के बाद डिग्रे, तब वो दूसरी और तीसरी तलाक नहीं होती। जब आपने पहली बीवी छोड़ दी, पहली बीवी को आपने तलाक दे दी, पहली ही तलाक आपने दी है, तो वो तो आपके निकाह से निकल गई। अब आप उसको दूसरी तलाक देने का मिजाज तब होंगे जब आप उससे निकाह कर लेंगे, जब आप उससे रुजू कर लेंगे। जब रुजू नहीं करेंगे तो शेख मोहम्मद बिन सालेह अलउसैमीन का मौकिफ ये है कि फिर आप रुजू नहीं करा तो फिर तलाक भी नहीं होगी। तलाक दे दें, तलाक दे दें, नोटिसेस जो होते हैं ना, मेरी एक वीडियो है यूनियन काउंसिल के, तीन नोटिसेस, उन नोटिसेस पे यही मैंने बताया है कि यके बाद दीगरे जो नोटिसेस जाते हैं हर 30 दिन के बाद, 32 दिन के बाद, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो पहला नोटिस वैलिड रहता है, दूसरा और तीसरा नोटिस वैलिड नहीं रहता, वो इनवैलिड होते हैं। तो आप नए निकाह नए महर से रुजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शरीफ साहब। चलें ठीक है सर, मेहरबानी, अल्लाह जिंदगी दे आपको। आमीन, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.